महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, ईश्वर किस तरीके से आपकी मदद करता है उसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सुपुत्र का अभी एक एक्सीडेंट हो गया था 31 दिसंबर को, उनके सर के ऊपर से गाड़ी गुजर गई थी, एक ऑपरेशन हुआ, बहुत खर्चा आया, ईश्वर ने किसी तरीके से उसका समाधान किया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। अब उसका दूसरा ऑपरेशन होना है तो हम उसकी तैयारियों में लगे हुए थे, बहुत से लोगों से मिले भी हैं। पूनम जी हैं, एक पूनम मात्रे, उन्होंने बहुत मदद की है। पर जब तक आपके पास पूरा धन ना एकत्रित हो तब तक आप, जब मेरा पिछला अनुभव कहता है कि जो हॉस्पिटल ने हमें खर्चा बताया था उससे 5 गुना ज़्यादा खर्चा हो गया, तो 5 गुना नहीं, जो उन्होंने अब की बार बताया उससे 1.5-2 गुना तो लेके चलना पड़ेगा, बाद में कहाँ भागेंगे। तो इस सिलसिले में मैं किशनगढ़ गया हुआ था किसी से मिलने, और फिर मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, जो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, वो दिल्ली आए हुए थे। तो एक अगरतला से आए हुए थे, एक कोलकाता से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप अगर दिल्ली के आसपास हैं तो मिलते हैं। मैंने कहा मैं किशनगढ़ हूँ अजमेर, वहाँ से मुझे जयपुर जाना है, तो जयपुर से 2-3 घंटे का रास्ता है दिल्ली का, मैं आ जाऊँगा। वहाँ से मैं जयपुर गया और जयपुर से फिर मैं, उन्होंने बोला 9 बजे से पहले पहुँचिएगा, हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम चाहते हैं कि आप भी उसमें साथ में रहो। वो कुछ CSR फंड के लिए कोशिश कर रहे थे कि वो हो जाए, हालांकि वो उस दिन तो नहीं हुआ। पर मैं उस यात्रा को आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं 9 बजे कोई भी गाड़ी जयपुर से पहुँचती नहीं थी, तो मैंने सोचा बस से चला जाता हूँ। महारानी करके एक बस है महावीर ट्रैवल की, वो मैंने उसमें बुकिंग की। बुकिंग करने के पश्चात वो रात को, क्योंकि मैं जयपुर पहुंचा ही रात को, 9:30 बजे पहुंच रहा था, 10:30 बजे बस चलती थी, तो मैं आराम से उस बस में बैठा। अच्छा, अजमेर से जयपुर आते वक्त भी जो है बस से ही आया था, तो कहीं रुकना नहीं हुआ उस बस का, 3 घंटे की, 3.25 घंटे की जर्नी, वो बीच में कहीं रुकते नहीं है, तो लघु शंका नहीं कर पाए थे। अच्छा, यहाँ भी जब मैं पहुँचा तो 10:30 की बस थी, मैं 10:15 बजे ही पहुँचा था। उन्होंने कहा जल्दी करो छिड़क होने वाली है, तो मैं अंदर घुस गया, लघु शंका नहीं कर पाया। डायबिटीज़ है तो लघु शंका बहुत आती है। फिर पहले क्या होता था, AC बस के अंदर ये कुछ चद्दर वद्दर दे देते थे जिससे ठंड इतनी नहीं लगती, अब वो देना बंद कर दिया। कुछ देर में मैं सो गया, बस चल पड़ी, बस ने पहुंचाना था 5:00 बजे दिल्ली, और वहाँ मुझे वो, क्योंकि मैं दिल्ली के बारे में बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, मुझे डर भी लगता है दिल्ली से, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ वहाँ ठीक नहीं हुई, कुछ घटनाएं ऐसी हुई, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो वो मुझे रिसीव करने वाले थे वहीं पे, लाइव लोकेशन शेयर किया हुआ था उन्होंने, मैंने भी अपना किया हुआ था। बस जो है 2 बजे के लगभग धारूहेड़ा के आसपास पहुंची, 2:15, और मुझे बहुत ज़ोर से लघु शंका आई, तो 2-3 बजे थे, शायद 3 बजे होंगे, 3 बजे थे आज। तो मैंने उससे, ड्राइवर और कंडक्टर से कहा, भाई मुझे डायबिटीज़ है और इस तरीके से समस्या है,
दारूहेड़ा से पहले वो आधा घंटा तो उन्होंने बैठा के रखा, चलाते रहे, अभी रोकते हैं अभी रोकते हैं। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारे लोग कहने लगे, तो उन्होंने एक जगह रोका। तो ऐसी जगह रोका उन्होंने कि जहाँ पे स्त्रियों के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं था, तो स्त्रियाँ भी बेचारी वहीं, उनको भी लघु शंका आई हुई थी, तो वो आके कहीं, वो भी ओपन में ही करने वाली थी, तो पुरुष जो थे वो कुछ आगे चले गए, मैं थोड़ा और आगे चला गया। लघु शंका करने के बाद में हाथ वाथ धोए। अच्छा, वो मेरा मेडिटेशन का टाइम होता है सुबह 3:20 से 4 बजे तक, और वो ऑटो सिस्टम है वो, मतलब मैं जब ये लोग काफ़ी लोग उतरे हुए थे, मैं सोचा 2 मिनट में बैठता हूँ, आज 40 मिनट नहीं, कम से कम 2 मिनट तो ध्यान लगा लूँ। मैं वहीं पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, वहीं बैठ गया पीपल के नीचे ध्यान लगाने के लिए 2 मिनट के लिए। मैं कहा तब तक ये लोग चढ़ेंगे तब तक मैं भी चढ़ जाऊँगा, और 2 मिनट के लिए क्या, वो तो लग गया तो लग गया। वो बस वाले ने सोचा कि आ गए होंगे महाराज जी, इतनी देर होगी, इतनी देर थोड़ी, वो कई बार टैटा टीटी करता रहा होगा, और वो बस लेके चला गया। अच्छा, मेरा फ़ोन, मेरा पर्स, सारी चीज़ें उस बस में। अब मेरा जब ध्यान से मैं बाहर आया तो देखा कि बस तो गई। अब बस गई तो अब रात को कोई गाड़ी रुके ही ना वहाँ, क्योंकि 5 बजे उसने वहाँ पहुँचना था दिल्ली, और फिर 6 बजे वापस जयपुर के लिए निकल जाना था। अब मैं जिस आदमी से मिलने जा रहा हूँ उसका फ़ोन नंबर उसमें, आजकल क्या है ये मोबाइल फ़ोन आने के बाद में याद तो रहता नहीं नंबर किसी का, अपना ही नंबर बड़ी मुश्किल से याद रहता है। तो करूँ क्या, तो मैंने महादेव से कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम तू क्यों मुझे दिल्ली भेज रहा है, क्यों ये लीला हुई है, तू जाने तेरा काम जाने, मुझे नहीं पता कैसे करना है क्या करना है, न मुझे पता है न मैं इसमें दिमाग लगाना चाहता हूँ, जो तू जो करेगा वो ठीक है। यहाँ तक कि मेरा चश्मा भी उसी में था, तभी एक, हालांकि मैंने हाथ भी नहीं दिया था, एक टेम्पो वाला आके रुका, बोला बाबा इधर क्यों खड़े हो, मैं कहा यार ऐसे ऐसे हो गया, तो बोला बैठ जाओ। मैं तो कहाँ रुकेगी आपकी बस में, बोला धोला कुआं, बोला धोला कुआं तो मैं नहीं जाऊँगा, पर आपको मैं टोल नाके तक छोड़ दूँगा। मैंने कहा ठीक है भाई, टोल नाके तक छोड़ देना, आगे ये आगे सोचेंगे। टोल नाके पे वो मुझे उतारने लगा, मैं उतरने लगा तो बोला रुक जाओ बाबा, मैं आगे इसको तक छोड़ दूंगा। वो टोल से बचने के लिए कोई दूसरे रास्ते से होते हुए कहीं घुमा घुमू के उसने एक ऐसी जगह छोड़ा जहाँ से वो आगे दिल्ली की तरफ नहीं जा रहा था। अब वहाँ से कोई ना मिले, एक दो बार मैंने 2-4 गाड़ियों को हाथ दिखाया, फिर मैं शांति से बैठ गया। मैं कहा तू जाने तेरा काम जाने भाई, ये मुझसे ना होगा। फिर एक गाड़ी वाला आके रुका, बोला बाबा इधर क्यों बैठे हो। फिर मैंने वो कहानी बताई कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, एक बंदे ने मुझे यहाँ तक तो छोड़ दिया, बोला थोड़ी आगे तक मैं भी छोड़ देता हूँ, फिर उसने छोड़ दिया था। अब उसने मुझे वहाँ छोड़ा, वहाँ से आगे रात को रोकते नहीं है लोग हाईवे पे, क्योंकि बहुत अपराध होते हैं, लोग डरते हैं रोकने से, किसी की मदद करने से, तो आप कितने भी हाथ दिखाते रहो कोई ना रुकने वाला। अब मैं वहाँ बैठ गया जाके, फिर मैंने 2-4 लोगों को हाथ दिखाया, किसी ने नहीं रुका, बहुत स्पीड में गाड़ियाँ चलती है। मैंने कहा भैया ये अपने से ना होना, ये फालतू में यहाँ एक्सरसाइज करते रहेंगे, जो होना है सो होना है, मैं क्यों चिंता करूँ, तू जाने तेरा काम जाने, क्योंकि ये मेरा प्लान नहीं था यहाँ आने का, मैं कहीं भी नहीं जाता हूँ बिना तेरे प्लान के, तो तेरा ही प्लान होता है। तभी वहाँ पे एक राजस्थान रोडवेज की बस आके रुकी, नहीं प्राइवेट बस थी वो, राजस्थान रोडवेज प्राइवेट बस थी,
वो आके रुके, वो लोग वहाँ पेशाब करने के लिए उतरे थे। फिर अच्छा, उन टेम्पो वाले के साथ बैठ के मैंने मेरे एक परिचित को फ़ोन किया था और उनके पास वो नंबर थे जी जहाँ मुझे जाना था, वो उनके नंबर थे। तो मैंने कहा उनको फ़ोन करके कहना कि लाइव लोकेशन ऑन है, बस जहाँ भी जाए आप मेरा सामान फ़ोन वगैरह कलेक्ट कर लें। और ट्रैवल एजेंसी का भी ये नेट से नंबर निकाल लें। तो उन्होंने इतना किया कि उनको फ़ोन करके कह दिया था कि भाई आप जो है ये सामान वहाँ ले आना। अच्छा, बस वालों का आपस में कम्युनिकेशन, बस वाले का और उस मेरे जो मित्र हैं उनका कम्युनिकेशन भी हुआ था, मुझे इस बात का पता नहीं था। वो बस वालों ने मुझे बैठा के धोला कुआं छोड़ दिया। धोला कुआं से मैं फिर लघु शंका आई, फिर वॉशरूम में जाके एक पेट्रोल पंप पे, और मैंने वहीं पे खड़े हुए एक सज्जन से मेरा फ़ोन, उन्होंने कहा एक फ़ोन कर लूँ क्या? कहा हाँ बाबा जी कर लो। मैंने अपने ही नंबर पे फ़ोन मिलाया तो बस वाले ने उठा लिया। तो मैंने कहा भैया आप कहाँ हो, आप मुझे छोड़ के आ गए। बोला बाबा आप वेट किया हमने, आप दिखे ही नहीं, आप आए नहीं तो हम चले आए, हमको हमें लगा आप अंदर आ गए हो, पर मैं धोला कुआं ही हूँ। और वो जाने की, वापस जाने की तैयारी में था। मैंने कहा यार मेरा कुछ, बोला हाँ आपका सामान है आप ले जाइए। मैंने उसे बताया मैं ऐसे ऐसे पेट्रोल, बोला मैं वहीं आ रहा हूँ पेट्रोल पंप के पास में, गाड़ी नंबर आपको पता ही है ये जो ये, मुझे हालांकि मुझे पता नहीं था, उसने बताया ये नंबर है आप आ जाइए और फिर जो है आप ये सामान ले जाइए, आप निश्चिंत रहिए। मैं वहाँ गया, मैंने वो सामान लिया, हालांकि मेरे गोविंद देव जी वहाँ रह गए एक, उनके बिना मैं चलता नहीं हूँ। तो दिल्ली एक दिन बिना गोविंद देव जी के था मैं। और मैंने फिर वो मेरे मित्र हैं उनको फ़ोन किया, वो बेचारे निकलने ही वाले थे। मैं कहा आप मत निकलिए, ये सामान मुझे मिल गया है, आप बताइए मुझे कहाँ आना है। तो उन्होंने बोला नहीं दिल्ली आ जाओ, वहाँ से मैं आपको रिसीव कर लेता हूँ। फिर उन्होंने मुझे रिसीव कर लिया। पूरी कहानी का तात्पर्य ये है कि आपको अगर ईश्वर पर विश्वास हो तो वो हर कदम पर आपको रास्ता दिखाता है। पूरे हाईवे पर कोई ना रुकता है, आप ट्राई करके देख लीजिए। पर मुझे सामने से आके रोक के, स्पीड में चलती हुई गाड़ियों ने रोक के पूछा है, मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचाया है। और वो सज्जन जिसके पास उसके निकलने से पहले पहुंचा है, और अगर वो चेक नहीं करता, कोई सफाई करने वाला चेक करता तो फ़ोन वोन सब ले जाता, दिल्ली है भाई वो। पर चूंकि उसने जाके चेक किया वहाँ पे कि यार कहीं बाबा आया नहीं है लगता है, उसने मेरी सीट पे चेक किया, मैं था नहीं, उसने मेरा सामान संभाल के रखा, ये सब कौन कर रहा था? ये महादेव ही कर रहे थे। और अगर मुझे उस फोन की आवश्यकता नहीं होती ना तो शायद वो मुझे देते भी ना, पर उनको पता था कि इस फोन में ही नंबर है, जाएगा कहाँ, किससे बात करेगा, और ये वापस कैसे जाएगा, इसका पर्स भी इसी में है, वहीं पर पड़ा हुआ है। तो न तो नंबर याद है, न किसी को कर सकता है, न इसके पास पर्स है, तो ये कैसे जाएगा? और मुझसे किसी ने एक पैसा भी नहीं लिया वहां तक पहुंचाने का। ईश्वर है, हर व्यक्ति में है, वो आता है, वो मदद करता है आपकी, अगर आपको उस पर विश्वास हो तो, आपका समर्पण हो तो। उस महादेव ने मुझे इस उहापोह की स्थिति में आ न जाने कितनी बार बचाया है। ये तो अभी 2-4 दिन पहले का अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो आएगा तो हो सकता है 10 दिन हो जाए तब तक। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप विश्वास तो करें, समर्पण तो करें, ईश्वर मिलेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। मुझे तो दिखाता है भाई, बाकी आपकी मर्जी है। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, आशा आपको पसंद आया होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। महादेव।